भी एक बार चार्ट बता दीजिए बैंक निफ्टी थोड़ा मिस कर रहा है एक दो स्टेप थोड़ा टाइप से चल रहा था निफ्टी के साथ में कहा क्या हो रहा है वहां देखिए एक पॉइंट जी आपने कहा था राउंड नंबर्स का 20 तो मैंने देखा है कि राउंड नंबर्स हमेशा से, सेंटिमेंटल होती है और सेंटिमेंट के कारण उससे यूफोरिया आती है तो इसीलिए जब बाजार बीस हजार के आसपास गया तो वहां पर वो क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके कारण ये 500-600 पॉइंट का करेक्शन आया बट यहाँ से अगर आप लीडरशिप देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अगर आईटी इंडेक्स एक ही जगह पे है रिलायंस अपने ऊपर के एंड के रेंज पे है तो अगर कोई सेक्टर है मार्केट में जो यहाँ पर बाजार को ऊपर चला सकता है वो है बैंक निफ्टी क्योंकि बैंक निफ्टी की बहुत अच्छी सी ब्रेकआउट हुई थी एक महीना पहले फोर्टी के आसपास हम उसके आसपास ही है अभी 44,900 लेवल्स पे चल रहे हैं और जिस तरह की स्ट्रक्चर है काफी पीएसयू बैंक्स में एच बैंक पे आईसीआईसी बैंक पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी घूम सकता है और अगर वो यहाँ से घूमता है तो 47,500 से 48,000 तक जा सकता है तो आई थिंक अगर यहां से मार्केट को लीडरशिप लेना है तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली बने रहिए। बट एक और सेक्टर विद इन द बैंक निफ्टी जो हमें काफी अच्छा लगता है वो है पीएसयू बैंक अगर आप पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखें तो वो 10 साल का ब्रेकआउट हुआ है 4400 का बहुत बड़ा था हैज hmm. बीन और मुझे लग रहा है कि से से 20 30 की तेजी पीएसयू बैंक इंडेक्स में आ सकता है इनफैक्ट कल हमने अपना बिग पिक्चर रिपोर्ट रिलीज किया वहां पर मैंने तीन चार चार्ट दिए है कि क्यों हमें पीएसयू बैंक इंडेक्स अच्छा लगता है तो यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है सारे स्टॉप स्टॉक्स एसबीआई कैनरा बैंक ऑफ बरोडा और छोटे छोटे स्टॉक्स भी, आई डी भी आई बैंक आई थिंक बड़ी अपॉर्चुनिटी और आपके व्यूअर्स को इसमें ध्यान चाहिए गौतम आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया लेकिन इस बीच सेक्टोरियल जिसके बारे में सबसे ज्यादा आजकल चर्चा हो रही है फार्मा काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका अब डीएनए चेंज हो गया और अब ये अच्छे खासे पैसे बना के देगा अभी तो सिर्फ शुरुआत है आपका व्यू पॉइंट क्या है आपकी रीडिंग क्या है फार्मा को लेकर सर देखिए आजकल के बाजार में हो क्या गया है ना कि न्यू, द न्यूज फ्लो फॉलोज द प्राइज एक्शन अब क्योंकि फार्मा ने इतना अच्छा चला है तो देर इज सो मच टॉक अराउंड फंडामेंटल एंड हाउ द DNA has changed, but ये same sector दो महीना पहले was one of the underperformers of the last two years. और यही ब्यूटी है टेक्निकल एनालिसिस की कि ये न्यूज फ्लो और फंडामेंटल्स के थोड़े से आगे चलता है क्योंकि हमें ये बताता है कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है और जिस तरह की स्मार्ट मनी में की इनफ्लो आई है पिछले दो महीनों में मुझे लग रहा है कि फार्मा इंडेक्स इवेंचुअली सेवेंटीन के लेवल तक चला जाएगा क्योंकि ये, ये समझना जरूरी है कि ये दो साल के बेयर मार्केट से निकल रहा है काफी बड़ी डिक्लाइन हमने स्टॉक्स में देखा 15,000 का जो लेवल है एनएससी फार्मा इंडेक्स का वो प्रीवियस हाई है तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बट इस लेवल से भी मुझे लगता है कि सन फार्मा डॉक्टर रेडीजार्स है तो एज अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर बने रहिए डोंट गेट आउट थिंकिंग कि मैं नीचे वापस ले लूंगा आई थिंक ये गलत स्ट्रैटेजी है एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में और कभी भी अगर डिप आई तो टॉप अप कीजिए क्योंकि जैसे मैंने कहा सत्रह हजार का हमारा इवेंचुअल टारगेट है दो हजार पॉइंट की और

प्रियंका मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी एक्चुअली मेटल्स में दिखती है क्योंकि आ, मेटल्स में बहुत ग्रेजुअल सी मूव आई है पिछले एक महीनों में और मुझे लग रहा है कि कुछ स्पेशल हो रहा है क्योंकि अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें जेएसपीएल को देखें तो वो ऑलरेडी लाइफ टाइम पे चल रहे हैं और इस लेवल्स पे भी स्टेडी है और अगर आप दूसरे और अगर, अगर आप अंडर परफॉर्मेंस को देखें टाटा स्टील को देखिए नैलको को देखिए सेल को देखिए आई थिंक फंडामेंटली भी ये अंडर वैल्यूड है अंडर ओन्ड है और इनके चार्ज काफी अच्छे हो गए हैं और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है उन्नीस हजार छह सौ सात सौ के इंडेक्स पे तो हमारा बिग बेट एक्चुअली अगले तीन से छह महीनों के लिए मेटल्स पे है थोड़ा सा कॉन्ट्राव्यू हो सकता है

Uh, कॉमेंट्री uh, सुनी और जिस तरह की चार्ट की जीएसडब्ल्यू स्टील फोर फिगर्स में चला जाएगा सो so, हजार हजार से ग्यारह सौ रुपए की मूवमेंट uh, यहाँ से आ सकती है आप समझिए हजार रुपया जाना माने बीस परसेंट की तेजी तीस परसेंट की तेजी जो आपको निफ्टी में नहीं दिखती है क्योंकि निफ्टी में दस परसेंट भरना वैल्यूएशन भरनाल्टिव पे सो जेएसडब्ल्यू स्टील हमारा फेवरेट है बगर आप आप डार्क हॉर्स को अगर आप देखते हैं तो नालको सेल और टाटा स्टील ये तीन स्टॉक मेरे हिसाब से अगले तीन से छह महीनों में सरप्राइज कर सकते हैं स्टील नालको और जेएसडब्ल्यू स्टील इन तीनों के नाम हम जो है नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि आप स्टॉक पिक्स देते हैं तो बिल्कुल नोट डाउन करना ही चाहिए

ब्रेकआउट के बाद रियल एस्टेट इंडेक्स अभी 560 पे चल रहा है 560 इंडेक्स लेवल पे चल रहा है और यहाँ से मुझे और अच्छी तेजी लगती है 600 से 620 तक वो इंडेक्स जा सकता है अब क्यों मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि सीमेंट इज अ रियल एस्टेट प्रॉक्सी इन अ सेंस और सीमेंट में जिस तरह की तेजी आई है आप रैम सीमेंट को, को देखिए अल्ट्राटेक हमारा लॉन्ग टर्म पिक रहा है ऑल अलॉन्ग अंबुजा सीमेंट और एसीसी हमें अच्छा लगता है आई थिंक ये बड़ी थीम है इसमें अच्छी खासी डाउनसाइड साइड हमने देखा पिछले चार छह महीनों में अब वो सब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं तो अल्ट्राटेक तो एवरग्रीन पिक है वो बेसिकली आपका सीमेंट सेक्टर का जेएसडब्ल्यू स्टील है जो चलता ही रहेगा यहाँ से अच्छा मूवमेंट आनी चाहिए और एसीसी और अंबुजा सब प्राइस करेंगे डार्क हॉस्ट कैंडिडेट्स है दोनों हमें अच्छे लगते हैं तो सीमेंट और रियल एस्टेट द एंटायर बास्केट ऑफ स्टॉक्स हमें अच्छा लगता है मीडियम और लॉन्ग टर्म के हिसाब से गत आई टी पे आप